नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष वाजपेयी हूँ। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी हूँ मणिपाल अस्पताल दिल्ली में। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग उसमें क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग बेसिकली डील करता है पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट में, कैंसर पेशेंट्स के मेडिकल मैनेजमेंट में। यानी कि हम फिजिशियंस का रोल प्ले करते हैं जो कि एक कैंसर पेशेंट के लिए होता है। कैंसर स्क्रीनिंग जो कि सबसे महत्वपूर्ण पहला स्टेप है जब हम सोचते हैं कि एक एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल में, तो वो हमारे विभाग में सारे कैंसर्स के लिए, खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर्स और कोलन कैंसर के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं। नंबर दो, हमारा विभाग में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये हम अपने 14 बेडेड डे केयर सेंटर में अधिकतर मरीजों को देते हैं। कुछ पेशेंट्स को कभी कभी इन पेशेंट की जरूरत पड़ती है। हमारा कीमोथेरेपी डे केयर सेंटर में हमारे यहाँ कीमो नर्सेस, कीमोथेरेपी नर्सेस हैं जो कि स्पेशलाइज्ड नर्सेस होती हैं इन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर और कॉम्प्लेक्स दवाइयों को देने के में सक्षम होती हैं। और वो साथ में जो है कीमोथेरेपी पेशेंट्स को जब डाइटिशियंस या डाइटरी प्लानिंग का जरूरत पड़ता है तो उसके लिए भी जो है हमारे यहाँ डाइटिशियंस पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स देते हैं। ऑल्सो मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर पेशेंट्स कई बार काफ़ी परेशान होते हैं जब शुरुआत में डायग्नोसिस होता है, तो उनको एक सपोर्ट का ज़रूरत होता है और वो साइको ऑन्कोलॉजी काउंसलिंग का ज़रूरत होता है। एक बैठ के बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ साइको ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। ऑल्सो जब एक कैंसर पेशेंट का डायग्नोसिस होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक विभाग नहीं इलाज करता, उसको टीम ऑफ डॉक्टर्स इलाज करते हैं और ये टीम ऑफ डॉक्टर्स का डिसीजन ट्यूमर बोर्ड में जो है लिया जाता है। ट्यूमर बोर्ड का हमारे यहाँ रेगुलर हर एक पेशेंट के लिए एक रेगुलर प्लान बनता है। हर एक पेशेंट का ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन होता है और हम ट्यूमर बोर्ड से पेशेंट को अब एक फाइनल प्लान ऑफ एक्शन बता सकते हैं। इससे सारे विभाग अपना बेस्ट इनपुट्स देते हैं पेशेंट के बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अब COVID-19 के चलते हुए पेशेंट्स को टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पेशेंट्स अपने घर पे बैठ के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर्स का और अपने घर पे बैठ के हमको पहले अपनी रिपोर्ट्स भेज के, जिससे कि सारे ऑन्कोलॉजिस्ट उसको पढ़ सकें और उसके बाद उसको एनालाइज करके हम पेशेंट से अपने लैपटॉप्स पे और अपने टेलीफोन्स पे बात कर सकते हैं, एक टेली कंसल्टेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड के चलते हुए। तो उसे हम पेशेंट को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पेशेंट को कोविड-19 का एक्सपोजर होने का चांस कम रहे। धन्यवाद।